बीच बीच में ना टीम वाले लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, सर मैं जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं ना वो साला इतना कलमुआ इतना निकम्मा है कि वो साथ ही नहीं देता, उसको बोलो सर सपोर्ट करने का वो सपोर्ट ही नहीं करता, मेरे मेरे अपलाइन में ये खामी, मेरे अपलाइन में ये खामी, मतलब लोगों ने बना रखा है कि हमारे अपलाइनों में इतनी खामियां हैं, अगर पूछा जाए इस धरती का सबसे बुरा आदमी कौन तो उसको अपना अपलाइन याद आ जाता है, और कुछ लोग तो इतना विरोधी मान लेते हैं अपने अपलाइन को कि उसको लगता है कि पुराने जन्म में ना इसी ने इसकी वो अंतिम संस्कार किया हुआ है ना, तो ऐसे वो एक टारगेट मत रखा करो। देखो एक बात बताओ, इस बिजनेस में जब से आए आपके अपलाइन के लिए तो आप कुछ ना कुछ दोगे, तो उसके लिए तो फायदे का ही हो ना, आप बिजनेस करके दोगे, अपलाइन आपको हमेशा ग्रो करवाने के लिए करता है, आप वो चाहता है उसकी आपकी सक्सेस में उसकी सक्सेस छुपी हुई है, तो इस बात को सिंपली समझ लो कि कोई किसी का अपलाइन कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, आपके माइंड में बैठा हुआ है कि मेरा अपलाइन बुरा है, हाँ ये हो सकता है कि आपको सिखाने के लिए वो सपोर्ट कम या ज्यादा कर सकता है, तो मेरे हिसाब से मैंने तो जो चीजों को डिवाइड किया ना, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा क्योंकि सेशन वाकई वैसे भी लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि सेशन और लंबा खींचे, मैं आपको चार खूबियां बताना चाहूंगा कि एक अच्छे अपलाइन में चार खूबियां होनी चाहिए, आपका अपलाइन एक्टिव होना चाहिए, अगर आपका अपलाइन एक्टिव है, जैसे एक्टिव किस मामले में, उसके पास जैसे कोई अपडेट आई वो आपके साथ शेयर कर देता है, जैसे कोई कंपनी के ऑफर्स हुए आपके पास शेयर कर देता है, कोई न्यू ऐसी ऐसा मतलब कुछ लॉन्च हुआ आपके पास पता चल जाता है, कोई जरूरी सूचना क्लोजिंग के बारे में, कोई बिलिंग के बारे में, कोई महत्वपूर्ण ऑफर जानकारी दे देता है, मीटिंग कब है वो बता देता है, आपके आपके बिजनेस का पूरा उसकी नजर में है बायोडाटा, तो मतलब आपका अपलाइन एक्टिव है, उसके लिए आप ज्यादा गणित मत लगाओ, तो आपका अपलाइन पहली बात जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला अपलाइन में चार खूबियां होनी चाहिए, पहला आपका एक अपलाइन एक्टिव होना चाहिए, दूसरा आपका अपलाइन इफेक्टिव होना चाहिए, दोस्तों एक बात बताऊं आपके अपलाइन में ये खूबी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो खूबी डाल लो, ताकि कल को आपकी टीम ये ना बोले कि मेरे अपलाइन में ये खूबियां नहीं, आप इफेक्टिव होने चाहिए, मतलब आपकी बोल चाल ढाल रंग रूप सब जब ऐसे जाते हो ना तो एक अलग इफेक्ट पड़ना चाहिए, लोगों के पास जब बैठते हो ना 1 घंटे की मुलाकात से ऐसा कुछ छाप छोड़ दो ताकि उसको लगे कि यार बंदा तो यही था, बाकी तो हम तो अपन मतलब जिन लोगों में रहते हैं उनसे तो बेहतर है, कितना मतलब इस व्यक्ति के साथ वाकई हमने कुछ शुरू कर दिया ना तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, उसको ऐसा लगना चाहिए। तीसरा और दूसरा एक मैंने जैसे पॉइंट बताया नहीं आपको, अगर वाकई में आप में वो व्यक्ति देख लेगा ना कि यार ये व्यक्ति मेरी जिंदगी बदल सकता है, वो आपके साथ बिजनेस का भी डिसीजन ले लेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन भी आपके जैसा बनना चाहिए, ऐसा इफेक्ट आप में होना चाहिए। तीसरा आपका अपलाइन लगातार ग्रोइंग होना चाहिए, अब आप पे ले लो आप कितना ग्रोइंग हो, पता चला कि उसने लेवल तो हमारे से बड़ा सा बड़ा ले रखा है और 6 महीने से उसका पेआउट ही नहीं आ रहा ढंग का, सही है ना, इस महीने का पेआउट उसका 400 रुपए का, तो कहीं ना कहीं लगातार 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 देखो एक नेटवर्किंग का एक नियम है, फ्लैक्चुएशन आता है, आपका पेआउट 60,000 गया 40,000 आना मतलब तय है आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको हम वो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप 40,000 के बाद दोबारा उसको 45 पे नहीं लेके जा रहे तो आप ग्रोइंग नहीं माने जाओगे, पता चला नीचे ही आता जा रहा है, 60 के बाद 40 क्या है वो तो नेगेटिव ही हो गया है ना, उसको लगने लग गया इसी की मतलब उसको सारी कमियां याद आने लगी, एक मिनट मैं एडमिट कर देता हूँ, सारी कमियां उसको याद आने लग गई कहीं ना कहीं, तो देखा जाए तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि आपका प्लान लगातार ग्रो करने वाला हो, उसके अंदर वो गुण होने चाहिए जिससे ग्रोथ दिखती हो उससे, क्योंकि आप अपने अपने अपलाइन के अंदर वो गुण देखते हो, देखो लीडर के बारे में एक ही परिभाषा मैंने सुनी है मैं आपको बता देता हूँ कि लोग उस व्यक्ति को चुनते हैं हमेशा लीडर के रूप में जिस मंजिल पे वो खुद नहीं पहुंच सकते, इसलिए कोई व्यक्ति को चुनते हैं कि वो वहां पे उसको पहुंचवा देगा, तो सीधी सी बात है आप ग्रो करोगे तो आपकी टीम भी आपके जैसा बनना चाहिए, और करो कुछ ऐसा ताकि लोग बनना चाहे आपके जैसा। चौथा आपका अपलाइन केयरिंग होना चाहिए, अब उस भाई को फिक्र ही नहीं है, अगर मान लो कहने का मतलब ये जो टीम है ना टीम टीम के साथ अपन तो प्यार रिश्ते ये सब आ जाते हैं, मैं तो मतलब टीम के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि भगवान ने मुझे मम्मी दी पापा दी दिए दादाजी दिए दादी जी मिले भाई मिले, लेकिन जब कुछ ऐसे रिश्ते थे जो प्यार में छूट गए थे जो मुझे और प्यार दे सकते थे, तो मुझे अपलाइन डाउनलाइन इन रिश्तों के रूप में मुझे बहुत सारे ढेर सारे मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाले लोग दिए, तो आप भी अपनी टीम में केयर ऐड करो, आप अगर केयरलेस हो गए ना तो आप बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, आप केयरिंग होना चाहिए, आप अगर केयर करोगे तो आपकी टीम आपके साथ वैल्यूबल रिश्ते बनाएगी और आप बिजनेस में बहुत बड़ा काम करोगे, और एक्चुअल में सबसे बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं
आप अपनी टीम की केयर करना शुरू कर दो, आपकी टीम आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी।